नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा वर्ड और हमारा दूसरा चैप्टर द प्रोनाउन। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। द प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इसकी परिभाषा है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो क्या हम उसका बार बार नाम लेते हैं? नहीं, हम बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, बल्कि उसका नाम हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं और अगली बार जब हम उसका जिक्र करते हैं तो उसके नाम की जगह पर हम कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूसरा शब्द ही प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि राम एक लड़का है, राम एक डॉक्टर है, राम के पिता एक किसान है, तो बार बार राम का नाम आया है। तो क्या हम असल में बार बार किसी का नाम लेते हैं? नहीं, नाम हम सिर्फ एक बार लेते हैं और अगली बार जब हम उसका जिक्र करते हैं तो हम उसकी जगह पर कोई प्रोनाउन या सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम एक लड़का है तो राम इज ए बॉय, राम एक डॉक्टर है, राम इज ए डॉक्टर, राम्स फादर इज ए फार्मर, यानी राम के पिता किसान हैं। तो यहाँ पर जब हम पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो हम राम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब अगली बार हम राम का नाम लेंगे तो नाम यानी नाउन संज्ञा आप जानते ही, हम पहले चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि नाउन किसी का भी जो नाम है वो नाउन यानी संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पर राम क्या है? नाउन है, संज्ञा है। तो हम पहली बार तो नाउन यानी राम लिखेंगे, लेकिन अगली बार जब उसका जिक्र आएगा तो हम राम नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? ही। और राम के पिता, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? राम्स। तो राम्स नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? हिज। क्या लिखेंगे? हिज। ठीक है। तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, राम एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर, राम के पिता एक किसान है, हिज फादर इज ए फार्मर। तो हमने पहली बार तो राम का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन अगली बार जब राम का नाम आया तो हमने उसकी जगह पर ही इस्तेमाल किया, और राम के पिता तो हिज इस्तेमाल किया, राम के की जगह पर हिज इस्तेमाल किया। तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं, जो संज्ञा के स्थान कवर करते हैं, तो वो सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाते हैं। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि वह शब्द जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। और ये बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग इनके प्रकार जो है 10 बताते हैं, कुछ लोग 9 बताते हैं, कुछ लोग 7, कुछ लोग 8। मेन जो है मुख्य वैसे 9 ही होते हैं, लेकिन हम इनको 10 भी मान सकते हैं, क्योंकि एस्कलेमेटरी जो प्रोनाउन है उसको गिनकर हम 10 भी मान सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो 9 ही होते हैं। तो इसके प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, प्रोनाउन मुख्यतः जो है 9 प्रकार का होता है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, और नवा आखिरी है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इन नौ प्रोनाउन है, इनके ऊपर हम अलग अलग प्रत्येक प्रोनाउन का अलग अलग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसको विस्तार से आपको हम समझाएंगे। आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने आपको प्रोनाउन के बारे में समझाया, प्रोनाउन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और प्रत्येक जो काइंड्स, प्रत्येक जो प्रकार है उसके ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आपको उसके बारे में समझाएंगे। आई थिंक आप प्रोनाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल कैट नॉलेज। बाय बाय।